नमस्कार दोस्तों, धर्मगंगा में आपका स्वागत है। हिंदू मंदिरों के शिखर पर कलश और उसके साथ लहराती हुई पताका आपने जरूर देखी होगी। त्रिकोणीय आकार के ध्वज मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में लहराते हैं। आमतौर पर उन ध्वजों पर कोई प्रतीक चिन्ह भी दिखाई देता है। आमतौर पर ध्वज का रंग केसरिया या गेरुआ होता है, मगर विशेष कारणों से ध्वजों का रंग पीला, लाल या अन्य रंग भी हो सकता है। क्या आपने सोचा है कि ये ध्वज मंदिर के शिखर पर क्यों लगाए जाते हैं? ध्वज लगाने की परंपरा कब शुरू हुई? इन ध्वजों को देखकर भक्त प्रणाम क्यों करते हैं? और ध्वज का आकार त्रिकोणीय ही क्यों होता है? आइए आपको ये सभी जानकारियाँ देते हैं। सबसे पहले जानते हैं ध्वज लगाने की परंपरा कब शुरू हुई। ऐसी मान्यता है कि पहले देवों और असुरों में युद्ध होता रहता था। देवासुर संग्राम तो आपने सुना ही होगा। इस युद्ध में मायावी असुर अपना भेष बदल सकते थे। कौन किस पक्ष से युद्ध कर रहा है, इसकी पहचान के लिए देवों ने अपने रथों के ऊपर ध्वज लगाना शुरू किया। तभी से देवों के मंदिरों पर भी ध्वज लगाने की परंपरा शुरू हुई। तो चलिए अब जानते हैं कि ध्वज मंदिर के शिखर पर ही क्यों लगाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ध्वजा नवग्रह को धारण किए होते हैं, जो रक्षा कवच का काम करती है। ये ध्वज मंदिर की रक्षा करते हैं। दूसरी बात यह है कि ध्वज देखने और प्रणाम करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ध्वज तभी दिखेगा जब ये ऊंचाई पर हो, इसलिए इसे मंदिर के शिखर पर लगाते हैं ताकि दूर से ही दिख जाए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि इन ध्वजों को देखकर भक्त प्रणाम क्यों करते हैं। शास्त्रों में कई जगह लिखा गया है कि शिखर दर्शनम पाप नाशम। इसका अर्थ है कि शिखर के दर्शन कर लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी कारण से मंदिर ना जाने पाए तो ध्वज को ही प्रणाम कर लें। ऐसा करना शुभकारी होता है। अब आपको बताते हैं कि ध्वज का आकार त्रिकोणीय ही क्यों होता है। इसका वैज्ञानिक कारण है। वायु गतिकी के अनुसार एक त्रिकोणीय झंडे को फहराने के लिए न्यूनतम हवा का वेग चाहिए, वहीं एक आयताकार ध्वज को फहराने के लिए ज्यादा हवा का वेग चाहिए। त्रिकोणीय आकार के पीछे मंशा यही है कि कम हवा में ध्वज लहराता रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह धर्म से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल धर्मगंगा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।